अगर आप कुछ हेल्दी सा खाना चाहें पर किचन में बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना चाहें तो ये रेसिपी आपके लिए एकदम से परफेक्ट है। वेजिटेबल पैनकेक रेसिपी, एकदम से हेल्दी और बनाने में बेहद क्विक। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सिम्मी एंड वेलकम टू सिम्मीज मसाला किचन। इसके लिए आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, पर स्प्रिंग ऑनियन इसमें ख़ास तौर से बहुत ही अच्छी लगती है। साथ में मैंने यहाँ पर ऑनियन लिया है, मशरूम्स लिए हैं, कुछ ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं जो कि ज़्यादा तेज नहीं हैं, साथ में एक रेड बेल पेपर है, स्वीट पोटैटोस हैं, कैरेट और कोरजेट। सभी चीज़ों को अच्छे से धो लीजिए, ट्रिम कर लीजिए, जिसका छिलका उतारना है छिलका उतार लीजिए और फिर उनको इस तरह से 1 से 1.5 इंच के लंबे लंबे पीसेस में काट लीजिए। इस रेसिपी में आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी इसमें बहुत अच्छी लगती हैं, पर कोरजेट, स्वीट पोटैटो, पेपर्स, कैरेट्स, ये सब्जियाँ ख़ास तौर से इस रेसिपी में बहुत अच्छी लगती हैं। तो सभी चीज़ों को इसी तरह से पतला पतला, लंबा लंबा, मैच स्टिक की तरह काट लीजिए और कोई वेजिटेबल आपको ज़्यादा पसंद है तो आप वो ज़्यादा ले सकते हैं, जो आपको थोड़ी सी कम पसंद है उसको आप कम भी ले सकते हैं, सब आपकी मर्जी के ऊपर है। स्वीट पोटैटोस यानी कि शकरकंदी और गाजर, वो इस पैनकेक को थोड़ा सा मीठा फ्लेवर देती हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है, और हल्का सा तीखापन देने के लिए यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, पर मैंने यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्च ली है जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, उसमें मेनली फ्लेवर ही होता है, पर अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप छोटी वाली तीखी वाली हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मशरूम्स को भी स्लाइस कर लेंगे और उनको अलग रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा बोल ले लिया है, उसमें मैं 2.5 कप इन सब कटी हुई सब्जियों को डालूंगी। कप को आप अच्छे से दबा दबा कर भरिएगा, सब्जियाँ लेने में कंजूसी मत कीजिएगा। मशरूम्स को मैंने इसलिए अलग रखा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप प्लेन फ्लावर यानी मैदा, आप चाहें तो आटे से भी ये बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 कप और 1/4 कप का मेजरमेंट लिया है और साथ में मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून सोल्ट और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आप चिली फ्लेक्स कम और ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं। अब हम इन सभी वेजीज को मैदा के साथ बहुत अच्छे से कोट कर लेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। पहले हम 1/4 कप पानी ही डालकर देखेंगे और देखते हैं कि और पानी की ज़रूरत है या नहीं। मुझे लगता है थोड़े से पानी की और ज़रूरत है, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून पानी और डालूँगी। हमें इसका पतला बैटर नहीं बनाना है, बस हम ये चाहते हैं कि मैदा और सब्जियाँ आपस में अच्छे से कोट हो जाएं। अब हम एक तवे को या डोसा पैन को मीडियम हीट पर रखेंगे और उसको गर्म कर लेंगे, फिर उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। फिर उसमें हम डाल देंगे बैटर, हम सारा बैटर ही इसमें एक साथ डाल देंगे और उसको इवनली स्प्रेड करेंगे। और अब जो मशरूम्स हमने अलग रखे थे उनको इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और पैनकेक के ऊपर बहुत थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब ऑयल ड्रिजल कर देंगे। अब हम इसको एक तरफ से 3-4 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 1 मिनट के बाद ही ये इस तरह से हिलना शुरू हो जाएगा। इसे हल्का सा हटाकर चेक कर लीजिए कि वो गोल्डन ब्राउन हो गया है या नहीं, फिर एक प्लेट की सहायता से इसको आप इस तरह से पलट लीजिए और जिस साइड से अभी पैनकेक कुक नहीं हुआ है उस साइड को आप तवे के ऊपर डाल दीजिए और फिर हल्का सा ऑयल ड्रिजल करके 3-4 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी इसको सेक लीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा क्रंची पैनकेक अच्छा लगता है तो आप इसको दोबारा से पलट कर फिर से दोनों तरफ से एक एक बार
एक एक दो दो मिनट के लिए और सेक लीजिए। मुझे तो थोड़ी सी चार्ड वेजिटेबल ही अच्छी लगती हैं, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा सा सेकूंगी। बस अब हमारा पैनकेक सर्व करने के लिए तैयार है। आप सुन सकते हैं हमारा पैनकेक कितना क्रंची बना है। इसको एंजॉय कीजिए अपने पसंद की किसी भी डिप के साथ। बहुत क्विक रेसिपी है, मिनटों में ही आपका कंप्लीट मील तैयार हो जाता है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।